सवाल सीधा उठता है। हमारे तीन सीधे प्रश्न हैं। नंबर एक, क्या मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ये बताएंगे कि ईडी डायरेक्टर द्वारा 17 नवंबर 2021 के बाद लिए गए सारे निर्णय अवैध नहीं, गलत नहीं? तो क्या नंबर दो, तो क्या सरकार ईडी डायरेक्टर द्वारा 17 नवंबर 2021 के बाद लिए गए सब निर्णयों की समीक्षा करेगी, या फिर किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा ईडी डायरेक्टर द्वारा पिछले दो साल 17 नवंबर 2021 के बाद दिए गए निर्णयों की जांच और समीक्षा होगी? तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल, जिन व्यक्तियों ने ईडी डायरेक्टर को 17 नवंबर 2021 और उसके बाद 2022 में दो नाजायज यानी अवैध एक्सटेंशन दी थी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, फिर चाहे वो खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही क्यों ना हो? हम ये अनुरोध करेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी से और उनके गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से कि राजनीतिक लोगों से, विरोधियों से बदले की आग में तप रहे आदरणीय मोदी जी को अब देश से, और ना केवल देश से बल्कि हर वो व्यवसायी, हर वो बिजनेसमैन, हर वो व्यक्ति जो ईडी के कोपभाजन का शिकार हुआ है।